हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मल लेटर के बारे में बताया था कि फॉर्मल लेटर कैसे बनाते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहा आपका एक ग्रामर का मेन टॉपिक छूट गया था जो मैंने आपको करा नहीं पाया। तो लेटर तो आपको क्या है, बहुत सारे कराने हैं, उसमें तो कोई उनका एंड ही नहीं है। बहुत सारे लेटर कराने पड़े, वो सब आपको धीरे धीरे करा दिए जाएंगे बीच बीच में। अब आपका जो टॉपिक था, मेन टॉपिक जो रह गया है वो था क्लोज, जिसके हमें बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स मिलते हैं, सॉरी 3 मार्क्स मिलते हैं। दो सेंटेंस आते हैं, दो सेंटेंस हमें बनाने पड़ते हैं। दो मतलब सेंटेंस होते हैं, उन्हें कुछ कनेक्टिव वर्ड्स के द्वारा एक सेंटेंस बनाना पड़ता है, उन्हें जोड़ करके बनाते हैं, उनको बोलते हैं क्लोज। क्लोज का हिंदी मीन्स होता है उपवाक। अच्छा, क्लोज क्या है, एक उपवाक्य है। तो इसको हमने, क्लोज जो होते हैं 3 प्रकार के सेंटेंसों से बनाए जाते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज, ये होते हैं। अगर इनको डिटेल में समझाया जाए तो ये तीनों अलग अलग से बनते हैं, लेकिन हमारे जो 10th के कोर्स में है वो केवल सबऑर्डिनेट क्लोज है, कोऑर्डिनेट क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज नहीं है। अब आती है बात, आपने देखो इसमें देखो दिख रहा होगा मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस लिख रखे हैं। पिछले वीडियो में शायद मैंने उसमें आपको एक वर्ब टॉपिक पढ़ाया था, टेंस पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको सारे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आज इसका मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि यही कंडीशनल सेंटेंस क्लोज में यूज और किए जाते हैं। तो एक तो हमारी ये वर्ब में आते हैं और एक क्लोज में आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कंडीशनल सेंटेंस किस प्रकार से हम बनाते हैं, सबसे पहले ये आपको आना चाहिए। उसके बाद में आपको ये सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले समझिए, वैसे आप आसानी से आप लोग समझ जाओगे कंडीशनल सेंटेंस। मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ इसको दोबारा से। कंडीशनल सेंटेंस समझे पहले। कंडीशनल इनको हिंदी में बोलते हैं शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। वाले वाक्य इनमें प्रत्येक सेंटेंस से एक कंडीशन शो होती है कि कंडीशन क्या कह रही है, उस कंडीशन को हम किस प्रकार से शो करते हैं, वो सारी चीजें इसमें दिखाई जाती है। तो जिस सेंटेंस से कोई भी कंडीशन शो होती है वो सारे सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। इनसे शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये 3 कंडीशंस है इसकी। फर्स्ट है जो इससे सेंटेंस बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, फिर इनके मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ये सेंटेंस अधिकतर इफ से प्रारंभ होते हैं, ये 3 कंडीशंस हैं।
अब इस तीनों के अर्थ क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा है वो इनके अर्थ क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिख रखा है कि इफ प्लस प्रेजेंट इनडेफिनिट लिख रखा है, ये प्रेजेंट प्लस फ्यूचर इनडेफिनिट, यानी कि इसका मीन्स होता है कि इसका पहला सेंटेंस जो बनेगा, जैसे इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। दूसरा क्या है, इसमें लिख रखा है इफ प्लस बर प्लस वुड। तो इफ से अगर स्टार्ट हो रहा है और बर सेंटेंस दिया है तो दूसरा सेंटेंस वुड में बनेगा, या वुड के दे रखा है तो फर्स्ट सेंटेंस बर में बनेगा। अब दे रखा है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड है, यानी कि पास्ट परफेक्ट, ये अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है और वुड हैव में बना हुआ दे रखा है और दूसरा सेंटेंस पास्ट, दूसरा मतलब ब्लैंक है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ये तो होता है वर्ब का, एक वर्ब भरने का तरीका। अब इसमें क्या होता है, इसकी फिर से एक डेफिनेशन होती है इन तीनों की। ये कंडीशन कहाँ पर मतलब लागू की जाती है, ये कंडीशन कहाँ लागू की जाती है, ये कंडीशन कहाँ लागू है। तो देखो, यदि ऐसा वाक्य जो किसी ऐसी कंडीशन को शो करता हो, ऐसा वाक्य जो किसी ऐसी कंडीशन को शो करता हो जो पूरी हो सकती हो, जिसके पूरे होने की संभावना हो, जो कंडीशन पूरी हो सकती हो जिसके पूरे होने की संभावना हो, तो उस कंडीशन में हम ये फर्स्ट कंडीशन लागू करते हैं जिसमें हम पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। ऐसी शर्त जो पूरी हो सकती हो जिसके पूरे होने की संभावना हो। दूसरा, ऐसी शर्त जो काल्पनिक हो जिसके पूरे होने की कोई संभावना ना हो। ऐसी शर्त जो काल्पनिक हो, जिसकी इमेजिनेशन की गई हो केवल और इसके पूरे होने की कोई संभावना ना हो, तो वो सेंटेंस हम दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, सेकंड कंडीशन में, कि उसका पहला सेंटेंस जो बनता है वो वर्ब में बनता है और दूसरा सेंटेंस बनता है वो वुड में बनता है। जो उस कंडीशन मतलब, अब जैसे हम कहें, अब काल्पनिक कंडीशन क्या होती है, इमेजिनेशन कंडीशन, जैसे कहें अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता, तो ये वो कंडीशन है जो पूरी, जो काल्पनिक है, जिसके पूरे होने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसी ही मतलब कंडीशन जिसके पूरे होने की कोई संभावना ना हो, तो वो सेंटेंस पर और गुड़ में बनाते हैं। तो जैसे मैंने सेंटेंस बोला, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता, तो ये सेंटेंस बनेगा इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ये सेंटेंस सेकेंड कंडीशन के अनुसार बनेगा बेटा। अब आता है कि थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन में है पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव। इससे क्या है, ऐसी शर्त जो भूतकाल में पूरी हो सकती थी लेकिन अब नहीं, जो ऐसी शर्त जो भूतकाल में पूरी हो सकती थी लेकिन अब नहीं, तो उसके लिए हम पहला सेंटेंस उसका पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और दूसरा सेंटेंस वुड हैव में बनाते हैं। अब पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसके दोनों सेंटेंसों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और वुड हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म की जाती है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कहें कि यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता, तो ये वो शर्त है जो मतलब पहले पूरी हो सकती थी लेकिन अब नहीं, जो मतलब गुजर चुकी, पास्ट हो गई। तो ये सेंटेंस बनेगा इफ मोहन हैड वर्क हार्ड, इफ मोहन हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ट, ही वुड हैव पास्ट। तो ये इस प्रकार से तीनों कंडीशंस हैं। अब तीनों कंडीशन के मैं देखो आपको एक एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखता हूँ, जो आप देखें ध्यान से।
जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये तीनों कंडीशन के एक एक सेंटेंस है। इसमें पहला सेंटेंस है, इसमें मैंने लिखा है, इफ आई गो टू योर विलेज आई शैल मीट योर फादर। यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो आपके पिता से मिलूंगा। तो वो ये ऐसी कंडीशन है जो पूरी हो सकती है, जिसके पूरे होने की संभावना है। तो हमने देखो, पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है और दूसरा सेंटेंस बनाया है फ्यूचर इंडेफिनिट में। दूसरा सेंटेंस, इफ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, आई वुड मेक यू माई मिनिस्टर, तो तुम्हें अपना मंत्री बना लेता। तो ये क्या है, काल्पनिक है। एक मतलब ऐसी शर्त है जिसके पूरे होने की कोई संभावना नहीं है। तो इसे मतलब इसको हमने पहले सेंटेंस को देखो वर्ब में बनाया है और दूसरे सेंटेंस को वुड में बनाया है। इफ आई वर ए किंग आई वुड मेक यू माई मिनिस्टर। तीसरी कंडीशन, इफ मोहन हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ड। यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता। तो ये वो शर्त है जो भूतकाल में पूरी हो सकती थी लेकिन अब नहीं। इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। तो ये वो शर्त है जो भूतकाल में पूरी हो सकती थी लेकिन अब नहीं। तो इस कंडीशन को हमने पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव में बनाया है। अब देखिए इसका मतलब क्लोज में क्या यूज है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सर इसका क्लोज में यूज क्या होता है, तो देखिए हमने ये यही सेंटेंस, जैसे हमने इस सेंटेंस को यहां से इफ हटा दिया, तीनों सेंटेंस से इफ को हमने रफ कर दिया है ना, और इस कॉमा की जगह पे हमने, जैसे यहां पर ये कॉमा लगा है, हमने इस कॉमा की जगह पे यहां पर इसमें फुल स्टॉप लगा दिया, और यहां से भी एक नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ और यहाँ पर फुल स्टॉप। ऐसे ये सेंटेंस यहाँ फुल स्टॉप लग गया और ये सेंटेंस बना यहाँ फुल स्टॉप लग गया, और यहाँ से कॉमा हट गया, ये फुल स्टॉप लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप, और यहाँ हमने इसको कैपिटल बनाया। नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड क्या करते हैं, कैपिटल बनाते हैं। अब ये दो सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे ये पहला सेंटेंस दे रखा है, आई गो टू योर प्लेस आई शैल मीट योर फादर। तो उसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको ये सेंटेंस पहले क्लियर करके बताता हूँ। जैसे ये सेंटेंस दे रखा होगा, आई गो टू योर प्लेस आई शैल मीट योर फादर, और फिर ब्रैकेट में दे रखा होगा इफ, इफ दे रखा होगा। कभी कभी क्या होता है, मतलब ऑप्शन नहीं भी दिया होता है तो अपन ने अपन को क्या है, अपने उसके
माइंड के अकॉर्डिंग इसको मतलब गैस लगा करके ये सेंटी किससे ज्वाइंट हो सकता है, कौन सा कनेक्टिव बल्ड लग सकता है, तो ये हमें स्वयं चूज करना पड़ता है। इसके लिए हमें वो सारे टॉपिक आने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जैसे इसमें हमने ब्रैकेट में दे दिया इफ, तो इसको जोड़ेंगे तो इसको मतलब स्टार्ट कैसे करते हैं, तो ये सेंटेंस इस प्रकार से जुड़ जाएगा, इफ आई गो टू योर प्लेस और फिर कॉमा लग जाएगा, फिर यही सेंटेंस उतार दिया है। अच्छा, इसको हम दूसरी तरीके से भी जोड़ सकते हैं, ये भी ऐसे भी बनेगा, आई सेल, एक मिनट में ऊपर लिखता हूँ फिर उसमें दिखाई नहीं देगा नीचे। इसको हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, देखो आई सेल मीट योर फादर इफ आई गो टू योर प्लेस। ऐसे भी जुड़ सकता है इफ से, और अगर स्टार्टिंग में लगाना चाहो इफ तो ऐसे भी जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पर अपन को फुल स्टॉप की जगह पे क्या आएगा, कॉमा आ जाएगा, लेकिन दोनों का मीन्स एक ही है। तो इस प्रकार से हमें कंडीशनल सेंटेंस के सारे रूल्स रेगुलेशन आने चाहिए, कंडीशनल सेंटेंस का यूज कहाँ किया जाता है, इफ कहाँ पे लगता है तो कहाँ कॉमा आता है, इफ बीस में लगता है तो कॉमा आता है या नहीं आता है, वो सारी चीजें आनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपना ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस पहले अपन को कंप्लीट करनी है सही तरीके से, और फिर मैं आपको ये सारी चीजें आगे और बताऊंगा। क्लोज टॉपिक में टाइम लगेगा काफी, और ये काफी थोड़ा वैसा टॉपिक, इसमें कई मतलब टॉपिक मिस्ड होते हैं, कई टॉपिक इसमें ज्वाइंट होते हैं, उन सबको एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करता चलूंगा, बताता जाऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको इसका और आगे बताऊंगा। थैंक यू बेटा।